नमस्कार दोस्तों, मार्केट अपडेट्स के न्यू वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और यहाँ पे मार्केट ने ठान ली है कंसोलिडेशन की और 11,700 और 11,600 के बीच में यहाँ पे निफ्टी घूम रहा है। एक दिन गिरता है, एक दिन बढ़ता है। अब देखते हैं इस रेंज से कितनी जल्दी यहाँ पे बाहर निकलेगा। बट आज जो आई है यहाँ पे 67 पॉइंट के उछाल के साथ निफ्टी बंद हुआ है। तो इस क्लोजिंग पे मैं लेके आया हूँ आप सभी के लिए बहुत सारे अपडेट। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज के अपडेट। तो हर रोज की तरह जो आप पहला अपडेट ले लेते हैं वो ले लेते हैं यहाँ पे मार्केट की तरफ से, जहां पे कि कल एक गिरावट देखी गई थी निफ्टी में करीब 67 पॉइंट की। आज वो गिरावट यहाँ पे भर चुकी है, ऑलमोस्ट यहाँ पे 67 पॉइंट यहाँ पे चढ़ के बंद हुआ है। वहीं अगर मैं सेंसेक्स की बात करूं तो सेंसेक्स में भी करीब 238 पॉइंट का यहाँ पे उछाल देखा गया है आज के दिन में। अगर टॉप 3 गेनर और लूजर की बात करें तो गेनर में रहा यस बैंक, उसके बाद रहा विप्रो, उसके बाद टाटा मोटर्स। वहीं अगर मैं लूजर की बात करूं तो लूजर में एशियन पेंट सबसे ज्यादा गिरा, उसके बाद इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, उसके बाद भारती एयरटेल। अगला अपडेट ले लेते हैं, वो आ रहा है यहाँ पे कंटेनर कॉर्पोरेशन की तरफ से, जहाँ पे स्टॉक ने सुबह सुबह करीब 2% की गैप डाउन ओपनिंग दिखाई थी। और यहाँ पे जो रीजन आ रहा है वो आ रहा है यहाँ पे HSBC ने यहाँ पे अपने रिड्यूस किए हैं टारगेट, और अभी जो कॉल है वो रिड्यूस किए हैं, यहाँ पे जो टारगेट है वो घटा दिए हैं करीब करीब। तो इसी के चलते यहाँ पे स्टॉक में करीब 2% की डिप देखी गई थी, बट उसके बाद स्टॉक रिकवर करके फ्लैट ही बंद हुआ है। अगला अपडेट ले लेते हैं, वो आ रहा है यहाँ पे एशियन पेंट की तरफ से, जहां पे एक तो यहाँ पे CLSA का डाउनग्रेड आया और दूसरा इनके प्लांट में आग लगने से काफी दिक्कतें बढ़ी हैं। बट हालांकि मैनेजमेंट ने बोला है कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, बट CLSA के डाउनग्रेड के चक्कर में स्टॉक करीब 3.5% आज पिट के यहाँ पे बंद हुआ है। अब देखते हैं यहाँ पे जो CLSA के जो टारगेट आ रहे हैं वो करीब 1400 के आ रहे हैं और करंटली जो प्राइस चल रहा है वो 1444 चल रहा है। तो देखते हैं आगे आने वाले दिनों में यहाँ पे एशियन पेंट कैसा परफॉर्म करके दिखाता है, क्या CLSA के टारगेट हैं जो नीचे के 1400 रुपये के वो यहाँ पे अचीव होंगे या दोबारा से ऊपर की साइड जाएगा। अगला अपडेट ले लेते हैं, वो आ रहा है यहाँ पे भारतीय एयरटेल की तरफ से, जहां पे इनको सेबी से अप्रूवल मिल गया है करीब 25,000 करोड़ का राइट इशू के लिए। इसी के चलते यहाँ पे स्टॉक में करीब 3% की गिरावट देखी गई थी आज के दिन में। अगला अपडेट ले लेते हैं, वो आ रहा है यहाँ पे शोभा डेवलपर की तरफ से, जहाँ पे स्टॉक में 2% के साथ उछाल के साथ कामकाज कर रहा था और यहाँ पे CLSA ने इसको अपग्रेड किया है और करीब 26% के अपसाइड के टारगेट दिए हैं। अगला अपडेट ले लेते हैं, वो आ रहा है यहाँ पे उषा मार्टिन की तरफ से, जहाँ पे कि 2% के गिरावट के साथ उषा मार्टिन का स्टॉक यहाँ पे कामकाज कर रहा था और यहाँ पे जो खबर आ रही है वो आ रही है कि इनका एक और प्लांट यहाँ पे टाटा स्टील एक्वायर कर सकता है। तो धीरे धीरे ये कंपनियां जो भी भूषण स्टील हो गया, आपका उषा मार्टिन हो गया, ये हाई डेट की वजह से धीरे धीरे अपने बिजनेस से बाहर होती जा रही है और इनके प्लांट कोई ना कोई इनको खरीदता जा रहा है। अगला अपडेट ले लेते हैं, वो आ रहा है यहाँ पे इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस की तरफ से, जहाँ पे स्टॉक में आज भी करीब 3% की गिरावट देखी गई थी यहाँ पे। और खबर आ रही है यहाँ पे कि ये बहुत ही जल्द रियल एस्टेट बिजनेस से बाहर हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लक्ष्मी बैंक के साथ जो मर्जर हुआ है उसमें शायद RBI का कुछ इश्यू आ सकता है, क्योंकि ये रियल एस्टेट बिजनेस भी चलाते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे आगे आने वाले दिनों में स्टॉक कैसा परफॉर्म करके दिखाता है। अगला अपडेट ले लेते हैं, वो आ रहे हैं यहाँ पे जे कुमार इंफ्रा की तरफ से, जहाँ पे इनका वर्क ऑर्डर कैंसिल होने के चक्कर में यहाँ पे स्टॉक में करीब 2% की गिरावट देखी गई है आज के दिन में। अगला अपडेट ले लेते हैं, वो आ रहा है यहाँ पे ऑप्टो सर्किट की तरफ से, जहाँ पे 1x सेटलमेंट यहाँ पे यस बैंक के साथ इन्होंने कर लिया है। जो भी डेट था यस बैंक का उसको इन्होंने चुका दिया है, बट स्टॉक पे ज्यादा कोई इंप्रूवमेंट नहीं था, ऑलमोस्ट 2% गिर के ही बंद हुआ है। अगला अपडेट ले लेते हैं, वो आ रहे हैं यहाँ पे अशोक लेलैंड की तरफ से, जहाँ पे स्टॉक करीब 5% आज के दिन में भागा है और यहाँ पे खबर आ रही है कि कंपनी एब्रॉड के अंदर एक अपना नया प्लांट स्टार्ट करने जा रही है। तो ये चीज काफी पॉजिटिव है, क्योंकि जो बेसिकली जो ट्रक एक्सपोर्ट किए जाते थे अब वो भारी उसी प्लांट से यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पे इनकी जो कॉस्टिंग है वो घटती हुई दिखाई दे सकती है। अगला अपडेट ले लेते हैं, वो आ रहा है यहाँ पे बजाज एनर्जी के IPO की तरफ से, जहाँ पे सेबी से इनको अप्रूवल मिल गया है, करीब 5,450 करोड़ रुपया मार्केट से उठाया जाएगा इनिशियल ऑफरिंग में। तो देखते हैं यहाँ पे IPO कब लॉन्च होता है, वेट करते हैं इस IPO का। अगला अपडेट ले लेते हैं, वो आ रहा है यहाँ पे पॉलीकैब IPO की तरफ से, जहाँ पे कि जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है इस IPO को, ऑलमोस्ट 35 टाइम्स ये सब्सक्राइब हुआ है और यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने काफी अच्छा इंटरेस्ट दिखाया है और इसीलिए ये 35 टाइम्स यहाँ पे यहाँ ओवर सब्सक्राइब हुआ है। तो देखते हैं अब लिस्टिंग कैसी होगी, क्योंकि 35 टाइम्स वाले की लिस्टिंग कम से कम 30 या 40
परसेंट के प्रीमियम पे होनी चाहिए। जैसा कि पास्ट रिकॉर्ड है तो ज्यादातर कंपनियों ने इतना अच्छा ही यहाँ पे लिस्टिंग दिखाई है। तो फिलहाल दोस्तों आज के अपडेट इतने ही थे। आई होप ये अपडेट आपको पसंद आएंगे। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूंगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।